नमस्कार दोस्तों, बाबा टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। गाइज, आज हम एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं सुकेम 800 वीए का। जो मॉडल होता है सेम टू सेम, हम जो है एक 800 वीए की इन्वर्टर की प्लेट लेंगे और एक हैवी ड्यूटी इन्वर्टर बनाएंगे। ये ट्रांसफार्मर है, ये बैटरी है, ये प्लेट है 800 वीए की और बहुत अच्छी गुड क्वालिटी की प्लेट है ये। तो इन सबको असेंबल करके हम एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं। गाइज, मुझे कमेंट्स आ रही थी क्योंकि मैंने इन्वर्टर की काफ़ी वीडियो बनाई हुई है, तो फिर से मुझे कमेंट्स आ रही थी कि आप फिर से एक वीडियो बनाइए हमें और एक कनेक्शन को प्रॉपर तरीके से समझाइए। तो चलिए, इन सारे ये डिस्प्ले है एलईडी डिस्प्ले, जिसमें हमें मेंस ऑन, इन्वर्टर ऑन, चार्जिंग, लो बैटरी, ओवरलोड, ये सारी एलईडी लगी हुई है। तो चलिए, इन्वर्टर की है ये, मेंस ऑन की है, चार्जिंग की है ये, लो बैटरी और ओवरलोड। तो चलिए गाइज, इसको रख देते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं इसको असेंबल करना। ये सॉकेट है आउटपुट के लिए। तो ये एक हमने प्लेट ले ली है वुडन की, इस पर हम इसको पूरा असेंबल करेंगे। और ये है लकड़ी का है वुडन, इस पर ट्रांसफार्मर रख के जल्दी से हम ट्रांसफार्मर के दो स्क्रू इसमें लगा लेते हैं ताकि ट्रांसफार्मर हमारा सही जगह पे फिक्स हो जाए। तो गाइज़, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी जो है इसकी स्पीड को हाई कर दिया है। हमारा ट्रांसफार्मर देखिए, दोनों तरफ हमारे स्क्रू लग गए हैं। और अब चलिए हम प्लेट को यहाँ पर प्लेट को भी स्क्रू की सहायता से कस लेते हैं। तो अभी इसमें भी हम स्क्रू लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड को ज़्यादा किया हुआ है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ पे गाइज, हमारी बैटरी और ट्रांसफार्मर दोनों का कनेक्शन हो गया है। अब हम एलईडी डिस्प्ले का कनेक्शन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, अब एलईडी डिस्प्ले का कनेक्शन करते हैं हम। और चलिए, अब इस कनेक्टर को हम लगाएंगे। देखिए ये कनेक्टर है और अब इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं बोर्ड के अंदर। देखिए ये जो सॉकेट लगा हुआ है और ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में हम इसको लगा देंगे इस तरीके से। ये मैंने खुद ने बनाया हुआ है। ये किस तरीके से बनाना है, वीडियो में आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके समझ सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है और ये वाला जो है इसके स्विच के ऑन ऑफ पे जाएगा। तो ये मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है कनेक्टर। ये कनेक्टर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर पूरा डायग्राम मिलेगा, सर्किट डायग्राम, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं गाइस। तो ये मैंने ऑन ऑफ के लिए भी ये वायर लगा दिया है। अब हमारी एलईडी डिस्प्ले के बाद में ट्रांसफार्मर के कनेक्शन आ जाते हैं, जो कि हमारी आउटपुट का होता है और हमारी चार्जिंग के लिए होता है। ये 17017 है और एक इसमें न्यूट्रल वायर थी। ये तीन वायर हमेशा आपके यूज़ में आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वायर है वो 255 वोल्टेज वो आउटपुट का है, 140 वोल्टेज और लास्ट वाला न्यूट्रल है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये 255 वोल्टेज का है आउटपुट के लिए, जिससे हमारे, और ये 140 वोल्ट का चार्जिंग के लिए, और ये लास्ट वाला न्यूट्रल ब्लू कलर का। तो इस तरीके से हम जो है कनेक्शन करेंगे। अब इसको जो है, हम जो इन्वर्टर की पीसीबी है उसके जो तीन कनेक्टर है उसमें तीन पिन दे रखी है, वहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले वाली जो हमारा कनेक्टर है वो चार्जिंग के लिए है, 140 वोल्टेज, ये 255 वोल्टेज आउटपुट और ये न्यूट्रल, ये दोनों न्यूट्रल कॉमन होता है, ये ब्लू कलर का। अब चलिए, इसके जो है हम सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से सोल्डरिंग करेंगे। देखिए, अभी ये भी मैं समझा देता हूँ। ये ब्लू कलर का न्यूट्रल है और ये दोनों जो ग्रीन कलर के हैं, देखिए ये न्यूट्रल, ये ग्रीन कलर का, और सबसे लास्ट में ये दोनों ग्रीन कलर के इनपुट है 230 वोल्टेज, और रेड वाला आउटपुट है जो कि इन्वर्टर की आउटपुट मिलेगी हमें। तो यहाँ पे दोनों ग्रीन वाले जो वायर है वो हमारे इनपुट है एसी, इन्वर्टर को चार्जिंग यानी बैटरी चार्जिंग करके 230 वोल्टेज हम इनपुट देंगे। ठीक है गाइस, तो ये कनेक्टर के कनेक्शन मैंने आपको समझा दिए हैं। और चलिए, अब ट्रांसफार्मर के, ये सबसे पहले 140 वोल्टेज का चार्जिंग का है गाइस। यहाँ पे चार्जिंग के लिए फर्स्ट पिन पे चार्जिंग का लगेगा 140 वोल्टेज, सेकंड पिन पे हमारा 255 वोल्टेज का यानी आउटपुट का, जिससे कि सारे उपकरण चलेंगे, और ये तीसरा है न्यूट्रल का यानी न्यूट्रल देने के लिए। तो न्यूट्रल का भी हमारा कनेक्शन हो गया। अब हमारे ये कनेक्शन हो चुके हैं ट्रांसफार्मर के। सर्किट डायग्राम भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कनेक्शन को समझ सकते हैं। पहला है चार्जिंग का, दूसरा आउटपुट, तीसरा न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है ब्लू कलर का। यहाँ पे ये दोनों ग्रीन कलर के, एक में फ्यूज़ लगता है हमारा। ठीक है गाइस, अभी सारे कनेक्शन ये वाले हो चुके हैं। अब चलिए, जो सॉकेट है आउटपुट के लिए, जो भी हमें बल्ब वगैरह जलाना है या जो भी हमें उपकरण चलाना है, उसके लिए सॉकेट के कनेक्शन हम लगा लेते हैं। देखिए, ब्लू कलर का ये न्यूट्रल है, सबसे पहले मैंने ब्लैक वाले में लगा दिया है, ये ब्लू कलर का वायर न्यूट्रल है। ठीक है गाइज, उसके बाद में हम लगेंगे रेड वाला, ये आउटपुट का है, 255 वोल्टेज इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन 255 वोल्टेज लिखा हुआ होता है, हमें 230 से 240 वोल्टेज समथिंग मिलती है। और ये ग्रीन कलर के, एक में फ्यूज़ लगता है, एक विदाउट फ्यूज़, ये 230 वोल्टेज इनपुट के लिए होता है, जो कि हम इन्वर्टर को चार्जिंग के लिए देते हैं मेंस के लिए। जो मेंस 230 वोल्टेज हम देंगे इनपुट,
वो ये दोनों वायर है, तो मैंने दोनों को कॉमन कर दिया है शॉर्ट करके। ठीक है गाइज, ये न्यूट्रल हो गया ब्लैक वाला। ठीक है, अब ये कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको मेन लीड यानी 230 वोल्टेज के लिए इसको इनपुट देने के लिए कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ये एक मेन लीड ले लेंगे, 2 पिन प्लग, जिसको हम एसी वोल्टेज इन्वर्टर को चार्जिंग के लिए देंगे। तो अभी चलिए इस मेन लीड के कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लू कलर वाले में, ये सॉरी जो ब्राउन कलर का सा है उसमें हम, ये है ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, ये न्यूट्रल हो गया। तो ये तीनों का न्यूट्रल कॉमन हो गया। ठीक है गाइस, सॉकेट आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए भी और इन्वर्टर के लिए भी। उसके बाद जो ब्लू कलर का है ये हम 230 वोल्टेज इनपुट देंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, ये जो ग्रीन कलर का है ये 230 वोल्टेज इनपुट है चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पर मेंस इनपुट जाएगी 230 वोल्टेज यानी चार्जिंग करने के लिए हमारी एसी वोल्टेज। तो यहाँ पे हम जो है मेन लीड का ब्लू कलर का वायर को लगा देंगे। और ये कनेक्शन करने के बाद में हम यहाँ पे टेप से, प्रॉपर टेप से यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, टेप लगा देंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पे मैं टेप को लगा लेता हूँ। कनेक्शन हमारे प्रॉपर अभी हो चुके हैं, मेंस के आउटपुट के सॉकेट में हमने कनेक्शन कर दिया, जिससे हम कोई भी उपकरण या कोई भी एलईडी बल्ब चला के देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से टेप लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पीड फास्ट कर दी है टेप लगाने के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइस हमारी टेप लग चुकी है और ये सॉकेट है आउटपुट का, इसमें 230 वोल्टेज हमें मिलेगी। और ये मेन लीड है हमारी चार्जिंग के लिए, जैसे कि इन्वर्टर को हम चार्जिंग के लिए इनपुट देंगे 230 वोल्टेज न्यूट्रल और फेस के लिए। ये हमारे इन्वर्टर के भी ट्रांसफार्मर के 3 वायर लग गए हैं हमारे, और ये हमारी डिस्प्ले भी लग गई है। डिस्प्ले के कनेक्शन आप सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका। और अब चलिए यहाँ पे ये है न्यूट्रल लगेगा बैटरी का, तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेंगे एक ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल। इंट्रोड्यूसिंग अल्टियम डिजाइनर, विच इज वन ऑफ द पीसीबी डिजाइनर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। अल्टियम 365 वॉन्ट टू बी जॉब रेडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, ट्राई अल्टियम स्टूडेंट लैब। यू गेट फ्री एक्सेस टू अल्टियम डिजाइनर एंड अल्टियम 365, सो यू कैन कोलोबरेट विथ योर मैट्स एंड अर्न ए सर्टिफिकेट दैट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय टॉप इंडस्ट्री इन इंडिया। इट्स ए ग्रेट वे टू बूस्ट योर स्किल्स एंड योर रिज्यूम। जस्ट एंटर योर यूनिवर्सिटी ईमेल टू गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। लर्न रियल स्किल्स दैट लीड टू रियल जॉब्स विद अल्टियम स्टूडेंट लैब। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। द फुल साइट एंड कई बेनिफिट्स कैन बी फाउंड हेयर द इंक्लूडेड। अल्टियम स्टूडेंट लैब ऑफर अल्टियम डिजाइनर स्टूडेंट लाइसेंस एंड पीसीबी डिजाइन कोर्सेज, अल्टियम एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल करिकुलम एंड कोर्सेज सर्टिफिकेट। ऑल द लिंक्स आर प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। न्यूट्रल के लिए तो मैं इसको सोल्डरिंग कर ले रहा हूँ। गाइज आप देख रहे होंगे वीडियो की स्पीड ज़्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे बैटरी का भी प्रॉपर वायर लग गया है न्यूट्रल के, सॉरी बैटरी के लिए नेगेटिव। और ये हमारा एक कार्ड को भी हमें देनी पड़ती है वोल्टेज, तो ये रेड वाला जो वायर है वो 12 वोल्ट के लिए है कार्ड के लिए। चलिए अब ये हीट सिंक के वायर हम लगा लेते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर में ये निकले हुए हैं। ये हीट सिंक के दोनों ड्राइव पे लगेंगे, एक 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 इस वाले हीट सिंक पे लग गया, एक इस वाले पे राइट वाले पे, दोनों पे एक एक आप ये कनेक्ट कर, बढ़िया से बोल्ट आपको प्रॉपर टाइट कर देने हैं, लूज नहीं रहने चाहिए। देखिए हीट सिंक के भी हमारे कनेक्शन पूरे प्रॉपर हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारा पूरा प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। ये बैटरी है दो, इन बैटरी से हम इसको टेस्ट करेंगे। एक बैटरी 7 एम्पीयर की है। तो यहाँ पे गाइज आप देख लीजिए, मैंने पूरे के पूरे प्रॉपर कनेक्शन कर दिए हैं। अब बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की। तो ये जो इन्वर्टर हमने बनाया, ये इन्वर्टर बहुत बेस्ट क्वालिटी का इन्वर्टर है, और आप कम से कम 3 पंखों का या 4 पंखों का लोड इस पर ईजिली तरीके से डाल सकते हैं। तो चलिए टेस्टिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा, तो आप देख सकते हैं ये बैटरी है दोनों की दोनों। मैंने दोनों बैटरियों का जो है पैलर करके इनकी एम्पियर को बढ़ा लिया है। अभी ये एक बैटरी 7 AH की है UPS वाली, तो मैंने 14 एम्पियर की बैटरी इनको बना लिया है, क्योंकि इनको मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। देखिए नेगेटिव को नेगेटिव कर दिया है दो बैटरी के, पॉजिटिव को पॉजिटिव। तो अब हमारे पास 14 एम्पियर की पावर मिल गई है। ये पॉजिटिव मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है, और सॉरी ये नेगेटिव मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है, और ये हमारा पॉजिटिव वायर है बैटरी का। ठीक है, जो कि ट्रांसफार्मर की यहाँ पर सेकेंडरी बाइंडिंग के ये दोनों वायर एक हो जाते हैं उस पर हमने लगा दिया है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। अभी यह देखिए हमने जो है इन्वर्टर को चार्जिंग पे नहीं लगाया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बैटरी मोड पे इन्वर्टर को दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये हमारा आउटपुट सॉकेट है, और ये हमारा यहाँ पे मेंस के लिए प्लग है, तो इसको हम बाद में लगाएंगे।
सबसे पहले अब हम यहाँ पे इसकी जो डिस्प्ले है यहाँ पे जो बटन लगा हुआ है यहाँ से ऑन करेंगे इन्वर्टर को। और देखिए इन्वर्टर ऑन हो जाएगा हमारा। इन्वर्टर ऑन होने से पहले हम जो है यहाँ पे ये LED है, एक ये LED बल्ब है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसके दो वायर है, देखिए ये रहे और ये हमारा सॉकेट रहा गाइस, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर ले रहा हूँ और ये हमने सॉकेट यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में अब मैं यहाँ से इन्वर्टर को ऑन करूँगा। तो सबसे पहले ये इन्वर्टर ऑन की है, ये हमारी मेंस ऑन, ये चार्जिंग की है, ये हमारी जो है ओवरलोड की है और ये हमारी सबसे लास्ट में जो है बैटरी लो की है, ठीक है गाइस। तो चलिए अब मैं इन्वर्टर को ऑन कर देता हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पर रिले की आवाज़ आई है कट की और हमारी LED ऑन हो गई है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप जो है इसमें मैं आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा। अभी मैं जैसे स्विच को ऑफ करूंगा ये देखिए आप, ठीक है गाइस। स्विच को ऑफ करने पे हमारी LED बंद हो जा रही है। जैसे मैं इन्वर्टर को फिर से ऑन करूंगा देखिए ये लाइट जलेगी इन्वर्टर ऑन की, ये देखिए गाइस और हमारा LED बल्ब जल गया है। अब ये जो है ये मेंस ऑन और ये चार्जिंग की है। तो चलिए अब हम इसको जो है AC वोल्टेज दे देते हैं, इस प्लग को प्लग में लगाते हैं और जैसे मैं प्लग इन करूँगा तो देखिएगा आप इसके इंडिकेटर में यहाँ पे मेंस ऑन और चार्जिंग की LED ऑन हो जाएगी। तो चलिए मैं प्लग को ऑन कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है गाइस। तो ये हमारी येलो कलर की इन मेंस ऑन की है और ये चार्जिंग की LED ब्लिंक हो गई है, ठीक है गाइस। तो ये इन्वर्टर जो है हमारा पूरा बहुत बढ़िया क्वालिटी का इन्वर्टर है और पूरा मैंने इसमें एक एक कनेक्शन एक किस तरीके से आपको ये बनाना है और इससे रिलेटेड जो भी सर्किट डायग्राम वगैरह है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। गाइस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, देखिए मेंस ऑन पे भी मैंने दिखा दिया है। अभी मैं फिर से एक बार इन्वर्टर का जो प्लग है उसको निकाल देता हूँ और ये देखिए जैसे ही मैंने निकाला ऑटोमेटिक जो हमारा इन्वर्टर है वो इन्वर्टर मोड पे आ गया है, बैटरी मोड पे आ गया है। अभी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो देखिए मैं इंडिकेटर को तो यहाँ साइड में रख देता हूँ और ये जो हमारी बैटरी का पॉजिटिव वायर है इसको जैसे ही मैं निकालूँगा हमारा इन्वर्टर बंद हो जाएगा, देखिए गाइस, ठीक है गाइस। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, देखिए आपके सामने अभी मैं देखिए जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर वायर लगाऊँगा इन्वर्टर हमारा देखिए ऑन हो जाएगा, ये देखिए गाइस। जैसे ही मैंने वायर लगाया हमारा इन्वर्टर पूरी चारों लाइट जो है पाँचों लाइट एकदम ब्लिंक करी है और देखिए मैं फिर से बंद करूँगा, ये देखिए गाइस। अभी मैं फिर से इसको बैटरी के तार को लगाता हूँ, ये देखिए। तो कुछ सेकंड का टाइम लेता है, ये प्रोग्रामिंग होती है इसमें, देखिए हमारा LED बल्ब चल गया है। अभी मैं आपको वोल्टेज और चेक करवा देता हूँ, वोल्टेज भी पूरे प्रॉपर मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ LED बल्ब तो बहुत कम वोल्टेज पर भी चालू हो जाता है, तो देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि हमारे इस टाइम इन्वर्टर में कितने वोल्टेज बन रहे। तो ये हमारा सॉकेट है गाइस, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक बार यहाँ पे लगा दिया, ये हमने 600 वोल्ट पे सेट कर दिया है और ये देखिए आप, वो देखिए भाई साहब 200, ठीक है गाइस, ये देखिए आप 256 वोल्टेज हमारे इन्वर्टर में बन रहे हैं। तो गाइस बिल्कुल जेन्युइन वीडियो होती है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी 100,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।